सो हेल्पर एंड पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंप एंड इस टाइप्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पंप क्या होता है, कहां कहां पर पंप यूज किया जाता है, किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, पंप के कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पंप एंड इस टाइप्स, तो पहले समझते हैं पंप के बारे में। तो देखिए, पंप के बारे में अगर सिंपली बात करें तो पंप हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मशीन होता है जो किसी फ्लूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसको डिलीवर करता है, उसका फ्लो करवाता है या उसका डिस्चार्ज करता है, तो उसी को कहा जाता है पंप। ठीक है, जैसे अगर ये पंप के बारे में अगर हम बात करें तो पंप काफ़ी ज़्यादा इसका वाइड एप्लीकेशन है। जैसे अगर कोई छोटा प्लांट ले लीजिए या कोई बड़ा प्लांट ले लीजिए, हर जगह पंप का यूज किया जाता है। इवन हमारे शरीर में भी एक पंप लगा है जिसको हम लोग हार्ट कहते हैं। ठीक है, हमारा हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन करना, ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, जो भी शुद्ध रक्त होते हैं उसको पूरे शरीर में उसका फ्लो करवाना और जो भी अशुद्ध रक्त होते हैं उसको फिर से वापस लाना। तो एक तरह से क्या है कि हमारे इस हार्ट का क्या काम है कि पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कराना क्या करता है, तो ये भी एक तरह का क्या करता है, फ्लूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक उसी तरह पंप का भी हमारा वही काम है। तो पंप का अगर हम लोग टेक्निकली अगर हम लोग बात करें, इसको डिफाइन करें, तो पंप क्या है, इट इज ए डिवाइस डेट मूव्स फ्लूड और सलरी बाय मैकेनिकल एक्शन टाइपिकली कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ओके, तो पंप क्या है, ये एक हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लूड को या सलरी को, फ्लूड यानी कि जो लिक्विड होगा और गैसेस होगा, और सलरी, सलरी के मतलब होता है जो बारिश के दिनों में जैसे कीचड़ हो जाता है ना, उसी को कहा जाता है सलरी। तो इसको ये क्या करता है, उसको मूव करता है यानी कि उसको फ्लो करवाता है बाय मैकेनिकल एक्शन। किसके द्वारा, तो मैकेनिकल एक्शन के द्वारा टाइपिकली कन्वर्टेड, और वहाँ पर होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्टेड होता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। इसी के द्वारा जो होता है हमारा पंप जो है वो वर्क करता है और किसी फ्लूड को एक स्थान दूसरा स्थान तक ले जाता है। तो ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखिए ये पंप वर्क कैसे करता है, यानी किसी फ्लूड को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाता है, तो उसमें कुछ एनर्जी का कन्वर्शन होता है जिसके द्वारा वो किसी फ्लूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज पाता है। तो उसमें एनर्जी का कन्वर्शन कैसा होता है, तो देखिए पंप में हमारा क्या होता है, पंप का जो शाफ्ट होता है वो मोटर के साथ जुड़ा रहता है। तो और मोटर में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं जिससे हमारा मोटर जो है वो रोटेट करता है, और उसी शाफ्ट के साथ जो पंप जुड़ा रहता है तो वो पंप हमारा फिर रोटेट करता है और फिर वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो फ्लूड है वो करके फिर उसको डिस्चार्ज करता है। यानी कि हम लोग मोटर में क्या दिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके वो पंप को मिला, फिर पंप क्या किया, इस मैकेनिकल एनर्जी को उस हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज किया, जो कि आपका काइनेटिक भी होता है और प्रेशर एनर्जी भी होता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो पंप क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है। वहीं यहाँ पे कह रहा है कि इट टाइपली कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी, और इस तरह से हमारा जो है वो पंप वर्क करता है, किसी फ्लूड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ओके, अब देखिए अगर इस पंप का जहाँ कहीं भी यूज किया जाता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कहीं पर भी, जैसे मैं एग्जांपल में बात करूँ कि जैसे पावर प्लांट में हम लोग बीएफपी यूज करते हैं, तो बीएफपी जब अगर किसी कारणवश अगर बंद हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि बीएफपी हमारा बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है, और अगर वो बंद हो जाता है तो वाटर सप्लाई जो होता है वो बॉयलर को नहीं मिल पाता है, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो पूरा बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे अगर हमारे शरीर का ये जो हार्ट है, ये जो पंपिंग डिवाइस है, अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा, हम लोग भी ट्रिप कर जाएंगे उस प्लांट की तरह। तो इसलिए पंप का चलना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं। तो देखा जाता है कि पंप का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि इसका चाहे आप छोटा फैक्ट्री में देख लीजिए, चाहे कोई बड़ा प्लांट में देख लीजिए, आपका हर जगह कहीं ना कहीं आपको पंप मिलेगा ही। शायद ही कोई ऐसा प्लांट होगा या कोई फैक्ट्री होगा जहां पंप का यूज नहीं किया जाता, यानी कि हर जगह पंप यूज किया जाता है। इवन आपके घर में भी जो पानी सप्लाई होता है उस वहाँ पर भी आप पंप का यूज करते हैं, आप भी पंप अपने घर में लगाए होंगे, तो वो भी क्या है, एक टाइप्स का पंप ही होता है जो आपके वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसका इतना नंबर्स ऑफ वेरियस एप्लीकेशन है कि इस एप्लीकेशन और डिजाइन के अनुसार आपका पंप जो होता है वो वेरियस टाइप्स का होता है। अगर आप देखने जाएंगे तो गिनते रह जाएंगे कि पंप्स कितने टाइप्स का होते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो पंप्स होता है उसको यहाँ पे लिख दिया है और इसी को समझेंगे। तो अभी देखते हैं कि पंप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो देखिए पंप्स जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है डायनेमिक पंप और दूसरा जो होता है वो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। अब ये जो डायनेमिक पंप होता है उसी को हम लोग रोटो डायनेमिक कहते हैं, काइनेटिक पंप कहते हैं, या इसको नॉन
पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब एक ही चीज़ है, यानी कि डायनेमिक वही है, ठीक है। अब ये जो डायनेमिक पंप है इसको भी कई भागों में बांटा गया है, या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे डायनेमिक को फिर तीन भागों में बांटा गया है उसके फ्लो के अनुसार। तो देखिए, एक होता है एक्सियल, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल, तीसरा जो होता है वो होता है मिक्स, यानी दोनों का ये मिक्स रहेगा। अब जब सेंट्रीफ्यूगल भी देखेंगे तो ये भी कई सारे भागों में बांटा गया है, उसके शाफ्ट के अनुसार, उसके सक्शन के अनुसार, उसके स्टेज के अनुसार, उसके डिजाइन के अनुसार, उसके फ्लो के अनुसार, कई नंबर्स ऑफ आपका भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू शाफ्ट, शाफ्ट के अनुसार, शाफ्ट का जो पोजिशन होता है उसके अनुसार जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो दो टाइप्स का है, एक होता है हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक होता है वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर स्टेज के अनुसार बात करूँ तो एक होता है सिंगल स्टेज और दूसरा जो होता है वो होता है मल्टी स्टेज। अगर हम लोग सक्शन के अनुसार बात करें तो एक होता है सिंगल सक्शन और एक होता है डबल सक्शन। अगर फ्लो के अनुसार बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप भी एक्सियल फ्लो होता है, रेडियल फ्लो होता है और मिक्स फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया डायनेमिक पंप के बारे में। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, इसके भी कई सारे भाग होते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे एक होता है रेसिप्रोकेटिंग और एक होता है रोटरी पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग के भी कई सारे भाग हैं, जैसे प्लंजर टाइप, पिस्टन टाइप, डायफ्राम टाइप्स, सर्कम फ्रेंशियल पिस्टन टाइप। फिर उसी तरह रोटरी के भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे गियर पंप टाइप्स, स्क्रू पंप टाइप्स, रोटरी वेंस टाइप्स, लोब्स टाइप्स। तो इस तरह से कई सारे आपके पंप से, इसके अलावा और भी कई टाइप्स के पंप होते हैं, जैसे कुछ स्पेशल पंप होते हैं, कुछ न्यूमेटिक पंप होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ यहाँ पे अलग ही जो इम्पोर्टेंट जो पंप है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ज़्यादातर अगर पंप आप देखेंगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप्स का होगा या रेसिप्रोकेटिंग टाइप होगा। पावर प्लांट में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज किया जाता है या कहीं कहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप भी यूज किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जैसे आप देखे होंगे हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला, आपका सिंगल स्टेज देखे होंगे, मल्टी स्टेज देखे होंगे, रेसिप्रोकेटिंग में आप प्लंजर टाइप का, पिस्टन टाइप का आप देखेंगे। तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टाइप्स का जो पंप है, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप, को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यही हो गया पंप के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।